सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो, ये है पुराना ब्रिज दिल्ली का, जो कि पुरानी दिल्ली से जोड़ता है। और देख सकते हो, ये पुराने ब्रिज पे ये जा रही है मालगाड़ी, और नया ब्रिज ये बनाया जा रहा है यमुना रिवर के ऊपर। दोस्तों, आज मैं यही दिखाने वाला हूँ आपको कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का कितना कुछ वर्क कम्प्लीट हो चुका है, क्या क्या वर्क चल रहा है, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप बने रहिए एंड तक, और दिखाते हैं और आपको एंटरटेन करते हैं। दोस्तों, तो आपको बता दूं कि इसको देखो, रेलवे लाइन को भी और ये मेट्रो लाइन को भी ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस भी क्रॉस करेगा दोस्तों आने वाले टाइम में। और गांधीनगर का वो जो रेड बत्ती है, वहाँ पर एक पिलर बन चुका है, वो उधर से ही घूम जाएगा। दोस्तों देखो, ये रेड लाइन है दोस्तों मेट्रो, तो इसको क्रॉस करेगा ये, और फिर उसके बाद में ये इंडियन रेलवे को भी क्रॉस करेगा दोस्तों। तो आने वाले टाइम में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक, तो कर लेना। नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, लाता रहता है केपी संत, इंफॉर्मेशन देता रहता है। तो यहाँ से गाइस, ये शास्त्री पार्क स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो। ये लेफ्ट वाली लेन इन्होंने बंद कर दी है और राइट वाली खुली हुई, तो इस पर ट्रैफिक आ भी रहा है और जा भी रहा है, तो ये सिंगल लेन ही है। तो उधर आपको बता दूँ कि उधर इन्होंने पाइल कर दिया है, पल्ली साइड में पाइल कर दिया है मशीनों द्वारा, उस पर फाउंडेशन बनाने का जो काम है वो किया जाना दोस्तों। सबसे लेट काम यहीं पर हुआ है इस शास्त्री पार्क में ही। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि ये देखो, यहाँ पर ये पायल मशीन कर दिया है उस साइड में, पहले वो वाला खुला हुआ था इसको बंद कर दिया, अब इन्होंने ये खोल दिया, उधर वाला बंद कर दिया। तो देख सकते हो पायल हो चुका है शास्त्री पार्क में, और इस पर फाउंडेशन बनाने का अब काम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। इसका देख सकते हो, ये रिंग रखे हुए हैं जो कि जमीन के अंदर डाले जाते हैं पायल करके, उसके ऊपर ये फाउंडेशन बना के फिर उस पर ये पिलर का स्ट्रक्चर ऊपर खड़ा किया जाता है, फिर पिलर भरा जाता है, कॉन्क्रीट किया जाता है दोस्तों। देख सकते हो ये सारे में ही पाइल कर दिया जा चुका है, और पाइल करने के बाद में अब इस पर फाउंडेशन का काम किया जा रहा है, और ऊपर का पिलर बनाया जा रहा है, यानी कि ग्राउंड लेवल का पिलर बनाया जा रहा है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ कहाँ तक ये चल रहा है काम, क्या क्या वर्क चल रहा है। तो आज हम चलेंगे खजूरी तक और देखेंगे, आप लोगों को बताएंगे और दिखाएंगे भी कि कितने पिलर बन के कंप्लीट हो गए हैं, कहाँ कहाँ पिलर का ये पियर कैप लगाए जा रहे हैं। तो बने रहिए आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मशीनें फाउंडेशन कितना कुछ बना चुकी हैं, तो आप लोगों को देख सकते हो, आप लोगों को आगे दिखाएंगे और बताएंगे भी दोस्तों के फाउंडेशन कैसे बनाया जाता है, वो आप लोग इस वीडियो में देखना, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और देख सकते हो ये आ रही है जेसीबी मशीन, जो कि पाइल करने के बाद में फिर मिट्टी को हटाया जाना है दोस्तों। हटाने के बाद में फिर वो पाइल का जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो तोड़ा जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर ये टीम लगी हुई है और इसको तोड़ रही है नीचे से। तोड़ने के बाद में इस पत्थर को ऊपर निकाल लिया जाएगा, और निकालने के बाद में फिर इसको साफ किया जाएगा उतना ही, और फिर इस पर फाउंडेशन बनाया जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, ये जेसीबी से गड्ढा करने के बाद में ये पत्थर निकाले जाते हैं, फिर उसके बाद में फाउंडेशन बनाया जाता है। तो ये देख सकते हो, ये जेसीबी मशीन आ चुकी है, यहाँ पर इसको मिट्टी निकालेगी, मिट्टी निकालने के बाद में फिर इस पर सही से इसकी तुड़ाई की जाएगी, और तुड़ाई कैसे की जाती है वो आप लोगों को अगले वीडियोज़ में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हो पापी पुश्ते पर यहाँ पर मिक्सर प्लांट भी है, और मिक्सर प्लांट देखो वो सामने चमक रहा है, जो वो उधर छतरी सी चमक रही है। और ये देख सकते हो इन्होंने फाउंडेशन बना के पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा भी कर दिया दोस्तों इस शास्त्री पार्क में। तस्वीरें देख सकते हो, बस ये अब इनमें बस कॉन्क्रीट भरना बाकी बचा। देखो ये रहा मिक्सर प्लांट यहाँ का, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का जो मिक्सर प्लांट है वो यहीं पर है, तो यहीं से इसमें मिक्सर हो गया और ये पिलर सारे भरे जाएंगे दोस्तों। आगे का भी देखते चल के, तो आपको बता दूं ये रोड आ जाती है आगे, जो फ्लाईओवर चमक रहा है वो सादरा और ISVT वाला रोड है दोस्तों। देख सकते हो ये फ्लाईओवर, इसको भी ये
क्रॉस करेगा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और यहीं से इसकी कनेक्टिविटी भी दी जाएगी दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। देख सकते हो ये सादरा और ISBT का ये मेन हाईवे है, देख सकते हो यहाँ पर ये ब्रिज बनाया गया है। आपको बता दूँ खजूरी पुश्ता और शास्त्री पार्क के बीच में ये है। देखो अगर हम यहाँ से राइट में जाते हैं तो चले जाएंगे सादरा के लिए, और लेफ्ट में जाते हैं तो चले जाएंगे ISBT यानी कि पुरानी दिल्ली के लिए दोस्तों। और यहाँ से क्रॉस करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पर काम देखने के लिए मिलेगा खजूरी पुश्ते पर, देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइडों में ये पिलर बनाए गए हैं, क्योंकि इसमें बीम डाला जाएगा दोनों पिलर के बीच में, और बीम डालने के बाद में फिर इस पर स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, क्योंकि इन पर ये पुरानी दिल्ली के लिए यहाँ से रास्ता भी दिया जाएगा इसमें कनेक्ट होने के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में दोस्तों, कनेक्ट होने के लिए। इसलिए यहाँ पर ये डबल डबल आप लोगों को पिलर देखने के लिए मिलेगा, और इन पर अभी कंक्रीट नहीं किया गया है कि कंक्रीट अभी भरा जाएगा इनमें, बस फाउंडेशन बन के कम्प्लीट ही हो पाया है। तो आगे और चल के देखते हैं कि क्या क्या वर्क चल रहा है, तो आप लोगों को दिखाते हैं, और बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, एंजॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। मिलते हैं आगे चल के। दोस्तों देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पर ये पिलर का पियर कैप बनाया जा रहा है, और ये पिलर नंबर है 79 से स्टार्ट हुआ है, और ये खजूरी की साइड में ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। देख सकते हो ये पियर कैप बनाया जा रहा है, और पूरा ही पियर कैप बनाया जा रहा है, तो उसमें 3-4 प्रकार से ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं, वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हो ये स्लो डाउन यहाँ पर लगता हुआ दोस्तों, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। आगे देखते हैं कि कहाँ तक ये पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, क्या क्या देखो इनकी सेटिंग अब ये निकाली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ये पियर कैप बन चुका है, कम्प्लीट हो गया है बन के। तो देख सकते हो जैसे जैसे पियर कैप बन जाता है, इसमें मसाला भर देते हैं, वैसे वैसे इसका ये सेटिंग निकाल दिया जाता है दोस्तों। और आपको बता दूँ कि ये पिलर के अंदर इन्होंने छेद करा हुआ है, जो कि इसमें बिठाते हैं, डाला जाता है एक सरिया, फिर इसको जोड़ते हैं, तो इसी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, देख सकते हो वो इसमें डाल देते हैं सरिया, और फिर इसको एक साइड में ये पिलर बना दिया, दूसरी साइड में इसके अंदर कर देते हैं। तो यही सीन है यहाँ का, तस्वीरें देख सकते हो, ये पियर कैप है कुछ इस तरीके से, देखो ये सरिये लगे हुए हैं ना, इस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया गया है इसका पियर कैप का दोस्तों। तो आप लोग बताना आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। क्योंकि अभी आपको बता दूँ, देखो वो बरकर आप लोगों को ऊपर टीम नज़र आएगी, तो इस पर अभी जो पानी डालने का काम है वो कर रहे थे, और इसकी ये सेटरिंग उतारी जा रही है दोस्तों, क्योंकि ये देख सकते हो पिलर नंबर 85, 86 ऐसे ये बनाते चले जा रहे हैं खजूरी की साइड में, यानी कि पाबी पुस्ता की साइड में दोस्तों, जहां सिग्नेचर ब्रिज के लिए रास्ता चला जाता है खजूरी भजनपुरा और ये यमुना बिहार, उधर की साइड में ये जा रहे हैं पियर कैप बनते हुए दोस्तों। और ये बन के स्टार्ट हुए, ये कहाँ से हुए हैं, शास्त्री पार्क की साइड से स्टार्ट हुए, खजूरी की साइड में जा
गाइस देख सकते हैं आप सभी, अब जाकर थोड़ा थोड़ा ये जाम ख़त्म हुआ है क्योंकि स्लो डाउन लगा हुआ था जहाँ पर ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सकरा रास्ता है तो इस वजह से यहाँ पर ये स्लो डाउन देखने के लिए आप सभी को मिला। दोस्तों देख सकते हो अब सारा रास्ता क्लियर हो चुका है क्योंकि इस पर सिंगल रास्ता ही खोल रखा, उधर का भी बंद पड़ा है इधर का भी, तो अब मतलब कि एक ही रास्ते पर ही आ रहे हैं वाहन जा रहे हैं। तस्वीर आप लोग देख सकते हो और ये सारे पियर कैप बन के कम्प्लीट हो, सारे पिलर बन के कम्प्लीट ही हैं, बस इन पर पियर कैप का काम किया जा रहा है तेज़ी के साथ में। दोस्तों देख सकते हो क्योंकि मैं इस पर चढ़ चुका हूँ, इस पर फुटओवर ब्रिज, फुटओवर पर देख सकते हो वॉकवे पर, क्योंकि यहाँ पर नीचे बहुत ज़्यादा वो था रास्ता तो इस वजह से हमें ऊपर चढ़ना पड़ा गई। तो आप लोग बताना क्या वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। दोस्तों केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो ये है डेहली देहरादून एक्सप्रेस पे जो कि बहुत तेज़ी के साथ में बनाया जा रहा है। दोस्तों दिन रात इस पर काम चल रहा है, 210 किलोमीटर का ये कॉरिडोर है दोस्तों, जिसमें 12 किलोमीटर का इसमें वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है दोस्तों कहाँ से, गणेशपुर से स्टार्ट होता है और देहरादून के बीच तक बनाया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा जंगल है देहरादून का, उसी के बीच से ये कॉरिडोर निकलेगा। तो यहाँ पर भी कुछ पिलर का देखो फाउंडेशन ये कर दिया है पियर कैप बनाने के लिए, देख सकते हो ये फाउंडेशन लगा दिया इन्होंने, तस्वीरें देख सकते हो दोस्तों। तो आगे ऐसे ही बीच बीच में ये बनाते चले जा रहे हैं पिलर को, और बहुत कुछ आप लोगों को इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अभी तो पैकेज वन ही चल रहा है, पैकेज फर्स्ट चल रहा है अभी इस टाइम पे, तो देख सकते हैं यहाँ पर स्लो डाउन आप लोगों को हर जगह देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बहुत सकरा रास्ता है यहाँ पर और कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो इस वजह से देख सकते हो यहाँ पर ये पियर कैप बनाने का ही काम चल रहा है। देखो ये रखे हुए हैं इसके स्टैंड, जो पियर कैप के साइडों में लगाए जाएंगे स्टैंड उनका, और एक होल तो इसमें ही है पिलर के अंदर, तो इधर तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, इधर तो पहले ही पिलर बना हुआ है, ये दूसरी साइड में पिलर बनाया जाएगा इसके लाइट में, राइट में और लेफ्ट में दोनों, तो उसी का ये कंस्ट्रक्शन सामान रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पर यह पिलर कैप बनाने का वर्क चल रहा है दोस्तों, तेज़ी के साथ में बना रहे हैं। और पियर कैप जैसे ही बन के कम्प्लीट हो जाएंगे दोस्तों, फिर उसके बाद में इस पर गर्डर लॉन्चिंग करना स्टार्ट कर देंगे, फ्लोरिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर इस पर ब्लैक टॉप कर दिया जाएगा। तो बहुत तेज़ी के साथ में वर्क कंस्ट्रक्शन चल रहा है इस टाइम पर दोस्तों, तो आप लोगों को आगे भी देखने के लिए मिलेगा। देखो कुछ पिलर यहाँ पर भी ये पियर कैप का काम किया जा रहा है, तो मतलब कि ये कुछ जगह छोड़ के दूर दूर ये पियर कैप का काम किया जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये पियर कैप बनाने की सेटरिंग को लगा दिया इन्होंने, अब इसका पियर कैप का जो जाल है वो बनाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो दोस्तों, ये जाल बना रहे हैं सरियाओं का, और सरियाओं को जाल बनाने के बाद में यानी कि ये फ्रेम बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो सरियाओं का ये फ्रेम बनाने के बाद में बन जाएगा, फिर इसमें कॉन्क्रीट की मदद से भर दिया जाएगा, भरने के बाद में ये पियर कैप कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के दोस्तों, जिधर भी आप नज़र उठाकर देखोगे उधर ही आपको वर्क कंस्ट्रक्शन होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ये पियर कैप हर जगह बनाए जा रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को, ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों, क्योंकि ये खजूरी पुश्ता वाले जो जितने भी पिलर हैं वो सारे बनके कंप्लीट हो चुके हैं, इन पर पियर कैप का काम किया जा रहा है तेज़ी के साथ में दोस्तों। कहीं कहीं ये बीच में पिलर बचे हुए हैं, जहाँ जहाँ बचे हुए हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे अभी इस वीडियो में दोस्तों। तो देख सकते हैं ये पियर कैप का काम, ये पियर
ये पिलर भरे जा रहे हैं, कंक्रीट किया जा रहा है इन पिलरों में। देख सकते हैं इधर के ये पिलर बचे हुए हैं जो इन पे कंक्रीट भरना बाकी रह गया दोस्तों। देख सकते हो इनमें रिंग लग जाने के बाद में और फिर इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देखने के लिए चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी।